ये देखिए पीस बहुत अच्छा है, दिस वन इज गुड। ये मुझे अंदर से भी जूसी लग रहा है, सॉफ्ट भी है। गाइस लौट आए हमारे चैनल फ्रूट ब्लॉगर्स में, मैं सौरभ और मेरे साथ है और हम लोग आज एक नया एपिसोड लेके फिर से लौट आए हैं बहुत दिन बाद। मुझे पता है क्योंकि भुवनेश्वर में इतना गर्मी था कि हम लोग वीडियो नहीं कर पा रहे थे। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस। हम लोग बहुत दिन बाद एक नया वीडियो ला रहे हैं क्योंकि सच बोल रहा हूँ इतना गर्मी में वीडियो करना बहुत ही टफ था, बहुत ही टफ था। पूरा हालत खराब, एकदम पूरा हालत एकदम खराब था, तो खाने लायक हम लोग थे नहीं इतना घर में एकदम सिंपल खा रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे और गर्मी में बाहर कभी निकल भी नहीं रहे थे विदाउट एनी नेसेसरी। फर्स्ट ईयर इन भुवनेश्वर, तो इस साल हम लोग को एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ हुआ। जैसे हम लोग को पता ही होगा कि किसी भी जगह पे फर्स्ट ईयर लोगों को प्रॉब्लम होता है एडजस्ट करने, और दिस वाज आवर फर्स्ट ईयर। और अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो कैसा लगता है हमें बोलिए। आज हम लोग जा रहे हैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू। एब्सोल्यूट बारबेक्यू हम लोगों ने कोलकाता में भी ट्राई किया था, मगर पहली बार हम लोग भुवनेश्वर में ट्राई करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, चैनल वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके बोलिए। चलिए बने रहिए। आप लोग देख ही पा रहे हैं फर्स्ट आइटम इज पानी पूरी। तो फिलहाल पानी पूरी टेस्ट किया, यम्मी। सौरभ टेस्ट पानी पूरी टेस्ट करने के बाद अभी आ गए हैं फिलहाल स्टार्टर में चिकन मैंचाओ सूप। आई सपोज यू कैन सी यहाँ पे चिकन भरे पड़े हैं, ठीक है। और ये है क्रिस्पी पोटैटो, ओके। तो मुझे कबाब लगा था बट दिस इज़ पोटैटो। And this is the keema pav and this is baby corn, crispy baby corn, ठीक है। पहले खा लेती हूँ, ठीक। तो अभी टेस्ट कर रही हूँ चिकन मैंचाओ सूप। मैंने जैसे पहले बोल चुकी हूँ कि चिकन भरे पड़े हैं और सूप क्वाइट ठीक है, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज एडजस्ट विद माई हिंदी, आई एम नॉट वेल वर्ड्स इन हिंदी बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू टेल इन हिंदी बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स बिलोंग फ्रॉम भुवनेश्वर। सो ये नेक्स्ट है क्रिस्पी पोटैटो, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड जूसी, जो कि चिकन का जो पोटैटो मतलब सॉरी जो पोटैटो है उसका ये ऊपर का लेयर इंटैक्ट है अभी भी, जो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर भी टेस्ट अच्छा है। लेट मी टेस्ट द पॉपकॉर्न, इट्स सॉरी बेबी कॉर्न। क्रंची है। नेक्स्ट कम्स द कीमा पाव। या क्वाइट यम्मी, यू कैन सी द टॉपिंग, क्वाइट यम्मी। दो मेनू वो है चिकन सीख कबाब और चिकन टंगड़ी। तो पहले हम लोग चिकन सीख कबाब ट्राई करेंगे। तो कुछ ऐसा पीस है उसका, मसाला मुझे ठीक ठाक लगा मगर मुझे अंदर से थोड़ा ड्राई लग रहा है। इसको थोड़ा और जूसी होता तो अच्छा होता, थोड़ा स्पाइसी भी है। अब ट्राई करते हैं टेंगड़ी कबाब। ये देखिए पीस बहुत अच्छा है, दिस वन इज गुड। ये मुझे अंदर से भी जूसी लग रहा है, सॉफ्ट भी है और तंदूर एकदम परफेक्टली किया हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे गार्लिक फिश।
या फिश आइटम है? तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है, टूट जा रहा है, थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। दिस इज वेरी वेल कुक, मीन्स मसाला एकदम सही है और बहुत सॉफ्ट है। अब लेते हैं चिकन, चिकन 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 लेते हैं। चिकन का ये स्टिक है, चिकन कबाब, ये भी बहुत सॉफ्ट है, खोलने पे टूट जा रहा है, तो इसको टेस्ट करके बोलते हैं। ये पीस का साइज कुछ ऐसा है। दिस वाज गुड टू। हम लोग दो चीज टेस्ट करने वाले हैं, एक प्रॉन और एक पाइनएप्पल। सो लेट्स टेस्ट। मैंने दोनों ही उठा लिया है। क्या कॉम्बिनेशन है ना, पाइनएप्पल और प्रॉन का, वेज नॉन वेज कॉम्बिनेशन, मजा आएगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, थोड़ा हमें कमेंट कीजिए, और ऐप्स में आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट कीजिए। हम लोग ऐप्स कोलकाता में भी टेस्ट कर चुके हैं, ये भुवनेश्वर में हमारा पहले बार है। पहले एक बार घर में उसका पैकेज ले आते हैं, कॉम्बो पैक, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर टेस्टिंग ओवर हियर। सो पहले हम लोग पाइनएप्पल टेस्ट करेंगे। दिस इज रियली गुड। रियली ऑसम। दिस वन थिंग ऑलवेज रिकमेंडेड इन एप्स। अब प्रॉन टेस्ट करते हैं। लग रहा है तो बहुत सॉफ्ट है। दिस मसाला इज द बेस्ट आई लाइक इन एप्स। कोलकाता में मुझे बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पर भी बहुत अच्छा है। दिस इज ऑसम। ये है मेन कोर्स सेक्शन। यहाँ पर एक फ्राइड राइस, चिली चिकन, फिश करी, एक करी, बटर चिकन। तो आप देख सकते हैं बटर चिकन का ऑप्शंस भी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सलाद सेक्शन है। फिर आता है ये वेज सेक्शन, वेज बिरयानी है वेज सेक्शन में। फिर आपको मिलेगा वेज मंचूरियन, हक्का नूडल, भिंडी मसाला। चलो देखते हैं कैसा लग रहा है। लुकिंग क्वाइट गुड। और ये है मलाई कोफ्ता, वेज कोल्हापुरी, कढ़ाई पनीर। वाह, इट्स लुकिंग ऑसम। एप स्पेशल दाल, येलो दाल, प्लेन राइस, अगर आप प्लेन खाना चाहते हो उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। डिशेस वगैरह इधर है, उधर है स्वीट सेक्शंस। मुझे लग रहा है थोड़ा नॉन वेज में थोड़ा ऑप्शंस कम लग रहा है। एनीवेज लेट्स सो दिस इज माय प्लेट। मेन कोर्स का यही मैंने ली है, क्योंकि स्टार्टर इतना खा चुकी हूँ कि मतलब पेट ओवरलोडेड ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए बिरयानी का आइटम शॉर्ट ऑफ टेस्ट करेगा, मैं उसमें घुसूंगी नहीं। तो मैं जो मतलब ये इजी टू डाइजेस्ट वाला मेनू है वो मैंने ली है। और यहाँ पे है हक्का नूडल, उसके साथ तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है चिली चिकन, तो कैसे चिली चिकन मिस करूँ, तो ले ली चिली चिकन। उसके साथ मसाला भिंडी, आई लाइक इट, दैट इज़ वाई आई टुक इट। एंड बटर चिकन तो कोई क्या ही मिस करे, ठीक है, बटर चिकन इज फेवरेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द पीपल। एंड स्प्राउट, दिस इज अ हेल्दी आइटम एंड ऑल्सो टेस्टी। सो दिस इज माई प्लेट फॉर द मेन कोर्स। तभी टेस्ट करती हूँ हक्का नूडल, वेज हक्का नूडल, ठीक है। यहाँ पे कैप्सिकम, बीन्स, गाजर, ये सब दिया हुआ है। ना ज़्यादा ऑयली ना कम, एकदम परफेक्ट। और चिली चिकन के साथ अगर खाया जाए तो क्या ही बात है। ऑसम। दिस इज द मसाला भिंडी विच आई लाइक।
It's yummy. It is best to eat with rice, though I haven't taken rice, but it is best with rice. It is yummy. अभी स्प्राउट थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ. स्प्राउट इज ओके, हेल्दी आइटम एंड माई फेवरेट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स द बटर चिकन. ऑफकोर्स बहुत ही टेस्टी है. तो अभी हम लोग टेस्ट करने वाले एक फ्राइड राइस, चिली चिकन और बटर चिकन, जो भी वो टेस्ट कर चुकी है देवोली ना, फिर भी हम लोग टेस्ट करेंगे एक बार. एक फ्राइड राइस के साथ पहले लेंगे थोड़ा चिली चिकन. चिली चिकन का पीस मुझे थोड़ा छोटा छोटा लग रहा है. एनीवे जो खाया है उसके बाद मुझे ये सही लग रहा है. एक्चुअली द फ्राइड राइस इज वेरी गुड, वेरी लाइट. Let's try it. For chili chicken, it's so-so. Now let's go with the butter chicken. This one is good. This is tandoori butter chicken. Yeah, tandoori butter chicken hai. The chicken is very soft. Chicken bahut hi soft hai. और फ्राइड राइस के साथ कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है. तो अभी हम लोग और तीन आइटम टेस्ट करने वाले हैं. एक है दम बिरयानी, एक है मटन हंडी और एक बटर नान. तो पहले हम लोग दम बिरयानी टेस्ट करेंगे विथ मटन. ये मटन दम बिरयानी है. शायद मुझे लीवर मिला है दम बिरयानी में. This is the first time I'm seeing somewhere कि बिरयानी में लीवर दे रहा है. फिर बिरयानी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, वही सेंट का इशू है. बहुत केवड़ा वाटर का सेंट बहुत ज़्यादा है. थोड़ा मटन टेस्ट करेंगे, वो भी बटर नान से. बटर नान काफ़ी सॉफ्ट है. दिस इज रियली सॉफ्ट. पहले ग्रेवी से खाएंगे. दिस वन इज गुड, ये वाला अच्छा है मटन का ग्रेवी. अभी थोड़ा मटन से टेस्ट करेंगे. मटन का पीस में एक बात बोलूं, बहुत सॉफ्ट है. आप देख पा रहे हो बहुत सॉफ्ट. दिस वन इज रियली गुड. तो डेजर्ट में मैंने तीन चीज़ें लिया है. ऑप्शंस तो बहुत कुछ है मगर उतना मैं खाता नहीं हूँ और पेस्ट्रीज मुझे इतना अच्छा लगता नहीं है डेजर्ट के हिसाब से. तो मैंने लिया है गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा और जलेबी. तो पहले हम लोग जलेबी ट्राई करते हैं. जलेबी काफ़ी सॉफ्ट है, क्रिस्पी भी है, बट टेस्ट में सो लगा. शाही टुकड़ा ट्राई करते हैं. थोड़ा हार्ड हो गया है ब्रेड, बट लेट्स टेस्ट इट. टेस्ट सही लगा. नाउ गुलाब जामुन देखने में तो छोटू सा है बट टेस्ट इज गुड. दिस गुड. तो खाना पीना कंप्लीट भाई, बहुत खा लिया. एब्सोल्यूट बारबेक्यू तो आपको पता ही है, मेनू का कुछ कमती नहीं है. जितना खाओ उतना आपको वो लोग खिलाते रहेंगे. तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोगों ने कितना खाया है. तो क्या ही बताऊं भाई, मेरा पेट की हालत बहुत खराब है. अभी तो मुझे सिर्फ रेस्ट लेना है. हो सके तो कुछ ऐसा खाना है कि डाइजेशन हो जाए पूरा ठीक ठाक से. डाइजेस्टिव कुछ खा के मुझे सिर्फ रेस्ट लेना है या बहुत सारा पानी पीना है. तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा खाया. और मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा पहले ही, इससे पहले कि देवोली ना कुछ एड ऑन करे. हम लोगों ने एक रिव्यू दिया था उनके जो भी थे रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे थे मैनेजर, उनको एक रिव्यू दिया था कि बिरयानी में मुझे थोड़ा वो कैवरा और रोज वाटर का सेंट ज्यादा लग रहा था. ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया हम लोगों के लिए, फिर से बिरयानी को बनाया, बना के फिर से रिसर्व किया, जो एकदम परफेक्ट था. तो आई रियली लाइक दिस गेस्टर. बहुत कम रेस्टोरेंट में ऐसा देखने को मिलता है. बोलो नॉट
नॉट श्योर कि हम लोग ब्लॉगर्स हैं, इसीलिए हम लोग के लिए स्पेशल मतलब अरेंजमेंट नहीं, आई थिंक दिस इज नॉट श्योर अबाउट इट, बट जो भी हो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा मतलब कुछ एक्सपीरियंस पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज शेयर इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज अगर हम लोग ने क्या किया जब खाना खाने के बाद रिव्यू पूछने आया था तो हम लोग सारे रिव्यू दिए थे, उनमें से एक नेगेटिव रिव्यू दिए थे बिरयानी के बारे में, तो झट से फटाक से वो लोग चेंज करके बिरयानी लेके आए जो एकदम सही था, ठीक है। ये तो, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये गेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग को थोड़ा कैरा वाटर और रोज वाटर का स्मेल ज्यादा आ रहा, बहुत ही ज्यादा लग रहा था वो, आई वाज नॉट, इट वाज वेरी वेरी बैड। तो सेकंड टाइम वो लोग ने जब सर्व किया तो एकदम ही स्मेल एकदम बराबर था, एकदम ठीक ठाक था, कोई भी स्मेल ज्यादा नहीं था, तो दिस वाज अ पॉजिटिव जेस्चर शोन टू अस। सो आई एम नॉट श्योर कि क्यों दिखाया गया ये ब्रांड के लिए, ब्रांड वैल्यू मेंटेन करने के लिए, या फिर हम लोग ब्लॉगर है इसीलिए, तो अगर आप लोग के साथ एब्सोल्यूट बारबेक्यू में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुए है तो प्लीज शेयर ओके इन द कमेंट सेक्शन।